राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गहलोत एक पुराने कथित फोन टैपिंग मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत सहित कई अन्य अधिकारियों को अदालत ने 16 मार्च को पेशी का नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या 3 ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूजल विभाग मंत्री महेश जोशी व अन्य को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है। सीएम गहलोत के अलावा अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़, एसओई थाने के थानाधिकारी रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को भी नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि अदालत ने एडवोकेट ओपी सोलंकी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल साल 2020 में राजस्थान में 3 ऑडियो टेप सामने आए थे और इनमें कथित तौर पर 2 व्यक्ति सरकार को गिराने के लिए विधायकों को पैसे देने की बात करते हुए सुने गए थे। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए जाने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को लंबे समय तक अलग अलग होटलों में रखा था। इस दौरान विधायकों के फोन टेप किए जाने के आरोप लगे थे। हालांकि अधिकारियों व सरकार की ओर से इसका लगातार खंडन किया गया। इसी दौरान शर्मा द्वारा शेयर की गई ऑडियो क्लिप सामने आई थी, जबकि कांग्रेस नेताओं के आरोप के अनुसार ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर गजेंद्र सिंह व एक कांग्रेसी नेता भंवरलाल शर्मा की बातचीत है। हालांकि शर्मा और शेखावत दोनों ही इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। वहीं एडवोकेट ओपी सोलंकी ने फोन टैपिंग मामले में राजनीतिक संकट के दौरान सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सोलंकी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय नंबर 3 की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि कथित फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी शर्मा भी क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।